नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश के बांदा में चोरी की एक दिलचस्प घटना सामने आई है। यहां पहले तो चोरों ने वेल्डिंग की एक दुकान से हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन बाद में पीड़ित की परेशानी जानकर चोरों का ना सिर्फ दिल पसीज गया बल्कि वह काफी इमोशनल भी हो गए। चोरों ने पीड़ित का एक एक सामान लौटा दिया और उससे लिखकर माफी मांगी। घटना के पीछे गलत सूचना को जिम्मेदार बताया। चोरों ने इसके लिए बाकायदा चुराए गए सामान को एक बोरी और डिब्बे में पैक किया और उसके ऊपर एक पेपर में माफीनामा लिखकर चिपका दिया। यह घटना पुलिस के साथ साथ अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक जिले के बिसंडा थाना इलाके की चंद्रायल गाँव में रहने वाले दिनेश तिवारी आर्थिक तौर पर काफी गरीब है। उन्होंने कुछ समय पहले ब्याज में 40,000 रुपये कर्ज लेकर वेल्डिंग का नया काम डाला था। रोजाना की तरह 20 दिसंबर की सुबह जब वह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा मिला और औजार समेत अन्य सामान चोरी हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने घटना की सूचना बिसंडा थाने में दी। मौके पर दरोगा के न मिलने के कारण केस दर्ज नहीं हो सका। 22 दिसंबर के दिन उन्हें गाँव के लोगों से पता चला कि उनका सामान घर से कुछ दूरी पर एक खाली स्थान पर पड़ा है। चोर दिनेश का सामान गाँव की ही एक खाली जगह पर फेंक कर चले गए थे। लौटाए गए सामान के साथ चोरों ने एक पेपर नोट चिपका दिया जिसमें लिखा, यह दिनेश तिवारी का सामान है। हमें बाहरी आदमियों से आपके बारे में जानकारी हुई। हम सिर्फ उसे जानते हैं जिसने लोकेशन दी कि वह दिनेश कोई मामूली आदमी नहीं है, पर जब हमें जानकारी हुई तो हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए हम आपका वह सामान वापस देते हैं। गलत लोकेशन की वजह से हमसे गलती हुई। माफीनामे से साफ है कि चोर बाहरी थे और इलाके के लोगों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन चोरों की मदद करने वाला शख्स स्थानीय था और उसने जानबूझकर चोरों को गरीब के घर का पता दिया। सामान वापस मिलने से खुश पीड़ित दिनेश ने बताया, मेरी वेल्डिंग की दुकान में 20 दिसंबर को चोरी हो गई थी। जब मैं उस दिन वहां पहुंचा तो चोर वहां से 2 वेल्डिंग मशीन, 1 कांटा तौलने वाला, 1 बड़ी कटर मशीन, 1 ग्लेंडर और 1 ड्रिल मशीन, कुल 6 सामान चोरी कर ले गए थे। मैंने उसी दिन थाने में सूचना दी तो मुझे वहां से बोला गया कि दरोगा जी मौके पर चोरी का मुआयना करने आएंगे, लेकिन फिर कोई नहीं आया। फिर बीते कल मुझे गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारा सामान सड़क के किनारे एक जगह पड़ा हुआ है। जब मैं वहां पहुंचा था उसमें मेरा पूरा सामान था और ऊपर से एक पर्चा चिपका था जिसमें लिखा था यह चोरी गलती से हो गई थी। उन्होंने बताया, यह ना मुझे पहले पता था और ना सामान मिलने के बाद पता है। भगवान ने मेरी रोजी रोटी बचा ली, मैं इसी में खुश हूँ। मैंने गाँव के चौकीदार के माध्यम से थाने को सूचना दे दी है कि चोरी गया सामान वापस मिल गया है। उधर चोरी की वारदात न दर्ज करने वाले बिसंडा थाने के SHO विजय कुमार सिंह ने हंसी के ठहाके लगाते हुए बताया, इस चोरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ना चोरी होने का और ना सामान मिलने का। मैं तो खुद हैरान हूँ कि चोर चोरी करे और सामान लौटा जाए। मैंने अपने इतने सालों की नौकरी में ऐसा कभी नहीं सुना कि यह तो बिल्कुल फिल्मों जैसी बात हो गई कि चोर लिख रहा है कि मैं चोर हूँ और तुम गरीब हो, इसलिए तुम अपना सामान ले लो। आप यकीन मानिए, आज 23 तारीख है लेकिन ना मेरे थाने स्टाफ ने और ना ही किसी और ने मुझे इसके बारे में बताया। मैं तुरंत पीड़ित से बात कर लेता हूँ। यह बहुत रोचक मामला है, मैं ज़रूर उनसे मिलने जाऊँगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज़। धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।